हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू गोवा। तो बेसिकली आज हम लोगों का डे वन है। एक्चुअली कल हम लोग पहुंच गए थे गोवा, वो भी रात के 8:30 बजे, क्योंकि 18 आवर्स हम लोगों को लगे थे रोड ट्रिप में सूरत टू गोवा। हम लोगों ने बहुत इंजॉय किया है, इट वाज अमेजिंग, वर्थ द जर्नी एंड मेमोरेबल है बहुत ज़्यादा। और हम हमारे साथ लाए हैं मेरी छोटी सी प्यारी सी जेरी को भी, तो हम लोग ट्रेन में ट्रैवल कर भी नहीं पाते हैं। तो इसके लिए अभी हम लोग सुबह को थोड़ा सा लेट से उठे, क्योंकि मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत रेस्ट लेके हम लोग शुरू करें तो बेटर है। तो हमने रेस्ट ले लिया, तो आज कोई ना कोई बीच में जाएंगे। अभी हम लोग हैं नॉर्थ गोवा में एंड यहाँ पे हमने क्या किया, क्या टोटल सब कुछ बजटिंग मैं आपको बाद में बताने वाली हूँ। अभी आप लोग पूरा अच्छे से इंजॉय कीजिए ये गोवा व्लॉग। इधर हम लोग कोई और जगह भी एक्सप्लोर करने वाले हैं, वो आप लोग को जल्दी पता चलेगा। एंड कैफेटेरियाज भी एक्सप्लोर करेंगे, नाइट लाइफ भी आपको दिखाएंगे। तो बने रहिए मेरे साथ एंड एंजॉय this Goa series and till then bye। सो गाइज, आज हम लोग जाने वाले हैं साउथ गोवा एंड यहाँ पे हम लोग का नॉर्थ गोवा में 4 डेज हो गया। मेनली हमने यहाँ पे अंजुना बीच देखा, पारा रोड देखी और ज़्यादा कुछ नहीं देख पाए। हम लोग फिर से आएंगे साउथ गोवा से नॉर्थ गोवा में टू एक्सप्लोर, एक दिन ही आएंगे, ज़्यादा कुछ है भी नहीं नॉर्थ गोवा में। साउथ गोवा हमारा मेन था, उधर हम लोग 6 डेज रहने वाले हैं, उधर हम लोग एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो यहाँ से ज़्यादा बेटर साउथ गोवा का प्रॉपर्टी है, लेकिन यहाँ के लुक बहुत अच्छे हैं। ये भी एक कोजी प्रॉपर्टी है, आप लोग आ ही सकते हो, लेकिन इसका लोकेशन जो है, मैं इसके बारे में सब कुछ आप लोगों को बाद में शेयर करूँगी। एंड हेडिंग टूवर्ड साउथ गोवा, तो चलिए मेरे साथ।
यहाँ पे आप लोग बहुत अच्छे से इन्जॉय कर सकते हो। मैं एक एक चीज़ यहाँ पर आप लोगों को दिखाऊंगी कि क्या है। थोड़ा बहुत शैक्स भी, थोड़ा बहुत रेस्टोरेंट भी है, यहाँ पर वोटर स्पोर्ट्स भी होता है, बट इट इज़ वेरी वेरी नाइस प्लेस विदफुल ऑफ ग्रीनरी होते हुए। तो आप लोग यहाँ का इन्जॉय ज़रूर करना और ये वाला प्लेस अपने बगल बेसिकली ज़रूर। तो अभी मैं हूँ एकदम साउथ एक्सट्रीम गोवा पे। तो आप लोग देख पा रहे हो मेरे पीछे का व्यू, ये टोटली एकदम अनक्राउडेड एरिया है। इट इज़ द मस्ट विजिट प्लेस आई फील दैट, क्योंकि हम लोग कालांगूटे बागा बीच बहुत जा चुके हैं, अंजुना एंड ऑल वो भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा क्राउडेड हो चुके हैं। तो मुझे ये लगता है कि ये वाला प्लेस है अभी भी अनटच्ड है, अभी बहुत अच्छे से मतलब इतना क्राउड नहीं है। और इसके बाद जो ग्रीनरी है इट इज़ लाइक ऑसम। इधर वाटर स्पोर्ट्स भी होता है, मतलब थोड़ा बहुत, लेकिन उतना नहीं है जितना कि हम अंजुना और कालांगूटे में देखते हैं। तो अगर आप लोग एक शेफ एक्सप्लोर करना चाहते हो, सो आई थिंक दिस इज़ अ मस्ट विजिट। ये है केव लोसिम बीच, येस ये साउथ गोवा में है। तो सारा सब कुछ मैं अभी आप लोगों को दिखा रही हूँ, सो स्टे ट्यून्ड।